सच्चे होते हुए भी स्पॉन्टेनियस मूवमेंट से अगर कुछ कुछ डायरेक्शन में नहीं चला तो वो लंबे अवधि के लिए फिर लोगों का मन को कुछ नहीं होता, इससे समय बर्बाद करने से क्या फायदा, इसलिए भावना भी लाके खड़ा कर देता है। इसलिए मैं जिस चीज़ को आपसे चर्चा करना चाहता हूँ कि मूवमेंट बिल्डिंग अगर एक ऑर्गेनाइज्ड वे में करे तो उसका एक तो उसका एक डायरेक्शन होगा, फिर उसको सस्टेन करना भी संभव होगा। तो उसका पहला कदम क्या है, मूवमेंट बिल्डिंग का पहला कदम है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर्स का ट्रेनिंग, ऐसा कहें फोर सी, ऐसा भाग फोर सी उसका फिलोसफी का पहला भाग कि क्या है। पहला सी अंग्रेजी में सी, पहला सी है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर। ये हवा में कुछ भी नहीं होता है, हवा में नहीं होगा, नीचे से ही होना है। पेड़ जैसे नीचे से उगना है वैसे ही मूवमेंट बिल्डिंग भी नीचे से ही होना है। हवा में होने वाले चीज़ों को मूवमेंट नहीं मान सकते, डब रही उसका रूट्स नहीं तो वो ख़त्म हो जाता है। तो पहला है कि कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर, पहला सी वो है कि कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर, एक प्रशिक्षित कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर चाहिए इसका नीचे, और वो उसका समझ साफ हो कम्युनिटी को क्यों ऑर्गेनाइज करना है, कम्युनिटी ऑर्गेनाइज करके क्या करना है वगैरह, बहुत ही साफ नज़रिया से एक कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर कम्युनिटी में काम करने लगते हैं। उसका मतलब पहला भाग है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर का प्रशिक्षण, उसमें मैं आऊँगा वो प्रशिक्षण कैसे होगा। तो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर प्रथम शर्त है क्या, आपके संगठन में कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर्स हैं क्या। फिर ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी दूसरा सी वो है, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर ऑर्गेनाइजिंग द कम्युनिटी। तो ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी नहीं है तो आप जैसे कल मनीष भाई कह रहे थे बुला के ला सकते हैं, दोस्ती हैं तुम भी चलो दिल्ली, तुम भी चलो दिल्ली, थोड़ा दो दिन घूम के आ जाएंगे वाला मुद्रा में तो लोग आ जाएंगे। एक ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी का स्टाइल दूसरा है कि ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी एक समझ के साथ कम्युनिटी एक साथ बैठते हैं, एक साथ बात करते हैं, एक साथ एक ड्रीम, एक जिंदगी के बारे में एक ड्रीम डेवलप करते हैं, अपने समस्याओं के बारे में चर्चा करते हैं। उसमें कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर को बहुत काम करना पड़ता है। ऑर्गेनाइजिंग द कम्युनिटी इज़ ए वेरी डिफिकल्ट टास्क, खास करके जिस समाज में कम्युनिटी विभाजित है जाति में, धर्म में, पार्टी में, जी कम्युनिटी तो ऐसे बटा हुआ। तो ए डिवाइडेड कम्युनिटी को एक सपने में लाना वो बहुत बड़ा काम है। तो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर का स्किल के ऊपर रहे, इसलिए कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर पहले क्या था, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर्स गांव में रहते थे, गांव में रह के कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज करते थे। जब से मोटरसाइकिल का इन्वेंशन हुआ है तब से कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर सवेरे जाता है शाम को घर वापस आता है, और वो उनके पास रात को, क्योंकि गांव वालों के सब पास बैठने का समय रात को है, ढोलक बजाते हुए, गाना गाते हुए, बात करते हुए, सब करने का कार्यक्रम रात को है। और कई इलाके में जब से नक्सलिज्म आ गया है तब से वहाँ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर को रात को रहना भी मुश्किल है, तो पुलिस वाला उसको भगाता ही वहाँ से। तो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजिंग का जो प्रक्रिया है मॉडर्न टेक्नोलॉजी के कारण और नक्सलिज्म के कारण वगैरह आदिवासी इलाके में कम हुआ, बाकी इलाके में उसका इतना असर नहीं पड़ा। लेकिन कम्युनिटी ऑर्गेनाइजिंग वही कर सकता है जिसको कम्युनिटी के प्रति अपार श्रद्धा है, भक्ति है, भक्तिभाव है, प्रेम है। ये जॉब नहीं है, पेड जॉब का प्रॉब्लम वो है, पेड कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर्स बहुत जगह है लेकिन वो उनका सीमित इन्वॉल्वमेंट, दिल से जो आना चाहिए। तीसरा सी है कम्युनिटीज एक्टिंग। ये कम्युनिटी ऑर्गेनाइजिंग सिर्फ एक 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 दिल्ली जाने वाले कार्यक्रम के लिए नहीं है, कम्युनिटी शुड एक्ट एवरी डे। सी एक्टिव कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए ताकि वो रेशन का दुकान ठीक नहीं चल रहा है तो कम्युनिटी शुड एक्ट, और कोई नहीं। डॉक्टर साहब दवाई सब ब्लैक में बेच रहा हो तो कम्युनिटी शुड एक्ट,
हैंडपंप गरीबों के मोहल्ले में नहीं अमीरों के मोहल्ले में खुल रहा तो कम्युनिटी शुड एक्ट। अगर सड़क चाहिए तो कम्युनिटी शुड एक्ट, अगर लैंड रिफॉर्म चाहिए तो कम्युनिटी शुड एक्ट, कम्युनिटी शुड देन स्टार्ट एक्टिंग। सी, अगर आपको बहुत बड़े एक्शन बाद में करना हो तो भी नीचे कसरत करने वाला कम्युनिटी चाहिए जिसको ये संघर्ष की आदत, संघर्ष करने का, थाने की ओर मार्च करने का, तहसील की ओर मार्च करने का, कलेक्टर की ओर मार्च करने का, शराब के दुकान को बंद कराने का, जिनको वो जो संघर्ष की आदत है वही कुछ बाद में कर पाएगा, बड़ा काम कर पाएगा। नहीं तो कम्युनिटी ऑर्गेनाइज्ड है, मेरा कम्युनिटी ऑर्गेनाइज्ड है, हमें उसको चला रहे वगैरह, उससे होगा नहीं, उसके होगा नहीं। वो जो सॉफ्ट वराइटी ऑफ एक्शन से कम्युनिटी सही में ऑर्गेनाइज नहीं होगा। कम्युनिटी ऑर्गेनाइज होना है तो उनको हार्ड इश्यूज को लेना और उस पर संघर्ष करके देखना होगा कि व्हाट डज इट मीन। थाने के सामने धरना देना, उसका क्या मतलब, या कलेक्टर के सामने बैठ जाना, उसका क्या मतलब। तो जिसको वो कम्युनिटी एक्शन पर लाने की जरूरत है, वो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर, ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी मूविंग इनटू कम्युनिटी एक्शन। ठीक है, अब कम्युनिटी एक्शन का 14 C है, कम्युनिटीज कमिंग टुगेदर। ठीक है, तो एक कम्युनिटी ऑर्गेनाइज कर लिया, इससे कुछ ज़्यादा बड़ी समस्या हल होगी नहीं। जल जनरल जमीन की समस्या एक कम्युनिटी थोड़ी हल कर सकती है, उसके लिए शायद 10 कम्युनिटियों को मिलकर करना पड़ेगा, कई कम्युनिटियों को मिलकर करना पड़ेगा। इसलिए लार्जर कम्युनिटीज कमिंग टुगेदर एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इसलिए सोशल मूवमेंट बिल्डिंग वगैरह, तो मूवमेंट वगैरह तो आगे की बात है, लेकिन इफ यू कैन मूवमेंट बिल्ड स्मॉल मूवमेंट्स एट द बॉटम ऑफ द पीपल, फिर वो जो हलचल है उस हलचल से ये समझ में आता है, देखिए इतने से कुछ होने वाला नहीं है। हमारे ये छोटे मोटे एक्शन तो बहुत अच्छा है, लेकिन सही में हम कितना भी यहाँ हाथ पैर पटक लें, ऊपर पॉलिसी सही नहीं है तो एक दिन में हमारा सारा प्रयास को पानी में बहा सकता है। हमने बहुत कर लिया, सब भूमि समतलीकरण कर लिया, संघर्ष करके जमीन प्राप्त कर लिया, लेकिन अचानक वेदांत आ गया और साइन वहाँ हो गया दिल्ली में, तो क्या फायदा है ये सब गोरे धंधा इतने दिन से हम यहाँ क्यों कर रहे हैं। नहीं तो लार्जर इश्यूज इससे कदम नहीं होगा। वो शराब की पॉलिसी हो तो भी, वो रेशन के दुकान की पॉलिसी हो तो भी, वो कोई भी मामला, लोकल लड़ाई के साथ साथ लार्जर लड़ाई की आवश्यकता है। ये जब कम्युनिटी समझने लगता है तब आप ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी से लार्जर एक्शंस कर सकते हैं। अब जब आप 50,000 लोगों को मार्च करते हुए देखते हैं तो वो शायद 2000 कम्युनिटी है, 2000 कम्युनिटी भारत के अलग अलग इलाके में काम करने वाले लोग इकट्ठे हो गए, लेकिन वहाँ एक्शन के बाद वापस जाके भी एक्शन में ही, ऐसा नहीं कि दिल्ली में आकर एक बार हंगामा कर दिया फिर चले गए, डिसॉल्व हो गया। नहीं, वापस जाने के बाद यार आया, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट बनाया, वापस किया फॉरेस्ट राइट्स एक्ट से जमीन प्राप्त करने के लिए, ग्राम सभा बुलाओ, अप्लीकेशन करो, फिर जमीन प्राप्त करो, फिर ऑर्गेनिक करो। नहीं तो हर एक एक्शन का वापस जाने के बाद, इसीलिए मैं आर्ग्यू करता हूँ कि ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट का लाभ लोगों के जिंदगी में दिखाई पड़ेगा, कि ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट्स नीचे भी परिवर्तन लाएगा, ऊपर भी परिवर्तन लाएगा, माइक्रो मैक्रो एक्शन में लगेगा ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी, इसलिए उससे जिंदगी में परिवर्तन दिखाई पड़ सकता है। वो इसलिए जरूरी है कि एक्शन से रिसल्ट देखता है तो फिर लोगों को संगठित होने की इच्छा पैदा होती है। अगर एक्शन से कोई रिजल्ट नहीं दिखाई पड़ता तो फिर संगठित होने से फायदा नहीं। अब उसमें भी दिखेगा, जो 50,000 लोगों ने मार्च किया, जिन जिन को जमीन मिला उनको एक्शन की बात मालूम है, आदिवासी इलाके में उसका इफेक्ट हुआ, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट आ गया, ये उससे उसका लाभ हो गया, लेकिन नॉन फॉरेस्ट एरिया से जो लोग आए उनका काम नहीं हुआ तो वो कहने लगे आप दिल्ली मार्च करके हमको क्या। तो 2012 के एक्शन में वो मुद्दा उभरा, उनका मुद्दा 10-10 में जमीन हर परिवार को मिलना चाहिए, क्योंकि उनको सबको हाउसिंग के लिए जमीन चाहिए, तो वो
ज़्यादा लोगों को इग्नोर करने वाला इशू हुआ, और जैसे ही ये शुरू हो गया हाउसिंग वाला, ज़्यादा फायदा उन लोगों को मिल रहा है जो नॉन आदिवासी एरिया का वगैरह। तो ये तो मूवमेंट बिल्डिंग करने वाले, मूवमेंट ऑर्गेनाइज करने वाले लोगों को समझना है कि मूवमेंट से लोगों का उत्साह को कैसे बनाए रखें और उत्साह से परिवर्तन की ओर कैसे जा सकता है। अब इसमें मैंने जो पहले आपको कहा कि कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर महत्व का है, तो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर का ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लोग बहुत साल से कर रहे हैं, तो उसमें चार कंपोनेंट बहुत महत्व का है, सामने समझ है चार कंपोनेंट। तो एक कंपोनेंट अभी हमारा तो यूथ कैंप्स कहते हैं उसको, सौ सौ लोग आते हैं और पहली बार जब ये ज़्यादातर गांव के युवाओं के लिए हैं जिनको ज़िंदगी में और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलता है, वैसे लोग आते हैं। और वे लोग पहला एक हिस्सा है जिसमें आप भी करते हैं तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग वाला, ये महसूस कराना कि हम जो कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण है, ये लैपटॉप और कंप्यूटर ही महत्वपूर्ण नहीं है, लिखा पढ़ी ही महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण अन्न पैदा करना भी तो, महत्वपूर्ण दूध उत्पादन करना भी तो, महत्वपूर्ण सब्जी बनाना भी तो है। ये जो बहुत वर्षों से ये जो हमने फैलाया है, गाँव में रहने वाले गंवार हैं और ये जो खेती करने वाला तो मूर्ख लोग हैं, तो धीरे धीरे लोगों का कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। ठीक है, मजदूरी करने वाला तो अरे तो मजदूर लोग क्या कर लेगा, तो श्रम पर जीवन जीने वाले लोगों को नकार कर से बुद्धि से जीने वाले लोगों ने जो कब्जा किया है दुनिया पर, ठीक है, ये बुद्धिजीवी श्रमजीवियों पर जो हमला किया है, श्रम का महत्व कम करके बुद्धि का महत्व को बढ़ा के, ये हमारे अपने एक कॉन्स्पिरेसी के मान लो हमने किया है इस बात को, ठीक है, हम अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए। और उसमें क्या हुआ, श्रम से जीने वाले आदिवासी गरीब लोगों का मनोबल टूटा है, वो समझता है कि श्रम से जीने वाले लोग मूर्ख हैं। तो इसलिए श्रम एक बहुत बढ़िया चीज़ है, समाज सिर्फ बुद्धि पर नहीं टिका है, पूरा समाज श्रम पर भी टिका है, ये बात बहुत अच्छे ढंग से साबित करने का समय है। तो शिविर में जब पहले तीन दिन लगता है ये महसूस कराने में कि श्रम करने वाले लोगों के बहुत महत्वपूर्ण हैं, और उसके बाद फिर उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ये लिखा पढ़ी व्यवहार पढ़ी तो ठीक है, लेकिन शाम को खाना नहीं मिला तो ये भी मर जाए, इसका कोई ठिकाना नहीं, कलेक्टर साहब तीन दिन से ज़्यादा ठीक नहीं पाएगा अगर खाना नहीं मिला, तो ये समझना बहुत बहुत जरूरी। तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का एक भाग वो है कि उनका काम हमारे काम जैसा ही महत्व का है या ज़्यादा ही है। वो और उसको डिस्क्राइब करना पड़ता है कि मैं पशुओं का कर रहा कि आप दूध निकालना दूध निकालते, अगर आपको दूध निकालना नहीं आता तो आप दूध निकालते हैं, वो भी जब दर्द होगा तो आपको मालूम पड़ेगा कि बड़ा बड़ा कठिन काम है, आसान काम नहीं। तो धीरे धीरे उसको उसकी जो ताकत है दूध निकालना, खेत को जोतना, पेड़ पर चढ़ना, उसका जो महत्व है उसका वर्णन करने की आवश्यकता पड़ता है, उसमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए। दूसरा हिस्सा है कि उसमें ये जो सोशियो पॉलिटिकल एनालिसिस, सोशियो इकोनॉमिक एनालिसिस की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ कैसा मालूम है आपका अनुभव, लेकिन मेरा अनुभव है कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा जैसे इलाके पे आज भी लोग ये मानते हैं कि गरीब हम गरीब बनाओ तो भगवान के कारण बना, भगवान ने हमको गरीब बनाया, इस बात को मानने में लोगों को अभी भी दिक्कत नहीं है कि सब तो भगवान बनाया गरीब, तो इस जन्म में कोई गुंजाइश नहीं, अगले जन्म में देखेंगे, ठीक है, लंबा कार्यक्रम है। तो वो जो उसको ब्रेक करना कि पॉवर्टी इज नॉट गॉड में, पॉवर्टी इज मैन में, एनीबडी इज मैन में, मैन कैन चेंज इट, ईश्वर ने नहीं बनाया गरीबी, गरीबी मनुष्य का है और गरीबी मनुष्य ने बनाया है, मनुष्य उसको बदल सकता है, नहीं इतनी चीज समझना, उस पर विश्वास करना। वो छः दिन शिविर होते होते आपको उनके नज़र आँख में चमक दिखाई पड़ेगा, उनको लगता है कि हाँ ये मामला कुछ भगवान से नहीं, ये मामला ही निपटने वाला मामला है कि, तो
विश्वास होने लगता है कि हम भी बराबर हैं। और ये जो गरीबी तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम डील नहीं कर सकते, हम डील कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगला 3 दिन इनको आप कानून और इंस्टीट्यूशन से परिचय कराते हैं, क्योंकि गरीबों के हित में भी तो बहुत कानून है, मिनिमम वेज एक्ट है, बॉन्डेड लेबर रिलीज रिहैबिलिटेशन एक्ट है, इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट है, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है, अभी तो नए नए और भी हो गए, इंफॉर्मेशन का एक्ट है, नरेगा भी, तो ये सब कुछ है। अब उसकी जानकारी को लीजिए, ये एक्ट में फॉरेस्ट राइट्स एक्ट कैसे होगा, उसमें ग्राम सभा को ही सबसे ज़्यादा अधिकार है, उनको मालूम होना चाहिए, ये कलेक्टर का अधिकार नहीं है, ग्राम सभा का अधिकार है। फिर उसके बाद उनको ले जाके थाना क्या है, कचहरी क्या है, इन्हीं मुद्दों को कचहरी जाना, इन्हीं मुद्दों को थाना जाना, इन्हें उन्होंने FIR कैसे लिखना है, तो मिनिमम ऑफ लॉज एंड इंस्टीट्यूशंस का अध्ययन बहुत जरूरी है इस बीच में बिना करा। आखिरी भाग है कि वो बड़े प्लानिंग में लगना इसलिए जरूरी है कि मैं वापस जाकर क्या करने वाला, कि उत्साह हो गया, एनालिसिस हो गया, इंस्टीट्यूशन समझ में आ गया, तो क्या होता है अचानक एक ही दिन में रेवोल्यूशन करने की इच्छा हो जाता है, क्योंकि मैं वापस जाकर आप सबको ठीक करने वाला हूँ, इतना उत्साह पैदा हो जाता है अचानक। अगर उसको आप थोड़ा सा पकड़ के नहीं रखा तो वहाँ जाकर हंगामा खड़ा कर, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा प्लानिंग में ये कॉन्सिक्वेंसेस समझाना, देखो तुम जा रहे हो एकदम हॉस्टाइल एटमोसफेयर में, एकदम विरोधियों के बीच में जा रहे हो, जमीन वितरण करो कहते ही वहाँ के सामंती लोग नाराज हो जाएंगे, मजदूरी ठीक से दो कहते ही ठेकेदार नाराज हो जाएंगे, दवाई ठीक से बांटो कहते ही डॉक्टर लोग इकट्ठे हो जाएंगे, समय पर उसको लाओ चल कहते ही सब गुरुजी लोग इकट्ठे हो जाएंगे। कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसमें तो मुंह खोल दें और वहाँ विरोध ना हो, ठीक है। भ्रष्टाचार खराब है बोल दिया तो सब वीडियो लोग इकट्ठे हो जाएंगे, तो आप मुँह नहीं खोल सकते, तो तुम जाकर सब एक साथ बोल दोगे और पिट क्या हो गया तो हम नहीं संभाल पाएंगे। तो कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में समझना होता कि क्या करने जा रहे हैं, एकदम खलबली मचने जा रहे हैं, हमारे उसका परिणाम उसका जो उससे क्या निकलेगा, ठीक है, वो समझना जरूरी है। तो ऐसे बहुत एक नहीं एक एक शिविर में 100 लोग आ गए मान लो, वापस जाकर 100 गाँव में हंगामा खड़ा कर, फिर अगले शिविर में 100 तो एक ऐसा समय आ गया था कि संभालना मुश्किल हो गया। ये हमारे ट्रेनिंग सेंटर को इन लोगों ने नक्सलियों का अड्डा बता दिया, क्योंकि ये पूरा ट्रेनिंग ये तो आवाज़ है, ये बदलना चाहिए, वो बदलना चाहिए, वगैरह करके। तो मैं उसके बाद फिर उसको संभालना बड़ा जरूरी है, तो मैं कहता हूँ कि ट्रेनिंग देने वाले लोगों को ये तैयारी रखनी चाहिए कि ट्रेनिंग देके किनको हम गांव में भेज रहे हैं कम्युनिटी ऑर्गेनाइजिंग के लिए, क्योंकि कम्युनिटी ऑर्गेनाइजिंग बहुत जल्दी हो जाएगी मुद्दों के उधर ज़्यादा, क्योंकि सबको अपने ज़िंदगी के चिंता है, अगर आप वहाँ जाकर फिलोसफी बोलेंगे तो कुछ नहीं होने वाला, लेकिन अगर अपने मुद्दों के उधर संगठित होना है तो बहुत जल्दी संगठित हो जाता है। तो इसलिए कम्युनिटी ऑर्गेनाइजिंग ऑर्गेनाइजर्स को तैयार करने वाले संगठन को उन लोगों को मॉरली लीगली पॉलिटिकली सपोर्ट करना पड़ेगा, कभी कभी इकोनॉमिकली, ठीक है, सपोर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो आपने जिस तेज़ी से बिल्ड किया उतने तेज़ी से ही वो बिखर जाएगा। तो इसलिए ये बहुत समझने का है, अनुभव से समझना है कि कम्युनिटी ऑर्गेनाइजिंग से के बिना कुछ होगा नहीं, लेकिन कम्युनिटी ऑर्गेनाइजिंग जैसा कठिन काम कुछ है नहीं, क्योंकि वो खलबली मचाने वाला है। तो आज जो अब अंदाजा लगा तो 1980 में क्या रहा होगा छत्तीसगढ़ में और बाकी जगह को देख लिया, आए तो ठीक है इतने साल करने के बाद, फिर हर एक कैंप में लड़के लड़कियां एक साथ आएंगे, तो लड़के लड़कियां एक साथ सो रहे हैं, एक साथ गा रहे हैं, एक साथ खा रहे हैं, लेकिन वो उसके लिए बहुत अच्छा माहौल है, वो सब लोग चाहते हैं कि कुछ परिवर्तन हो, और शुरू में समाज को एक्सेप्ट करने में दिक्कत होती है, लेकिन धीरे धीरे फिर वो एक्सेप्टेंस हो जाता है। उसी प्रकार जब आपके पास 100 लोग हैं, वो कोई एक दूसरे से जाति पाति पूछते नहीं, धर्म पूछते नहीं, सब एक साथ खा रहे हैं, एक साथ सर्वधर्म प्रार्थना कर रहे हैं, एक साथ श्रमदान कर रहा है, एक साथ सीख रहा है, तो जाति पाति के भेदभाव मिटाने के लिए
पुरुष महिला के बीच के भेदभाव मिटाने के लिए इस प्रकार के कैंप्स जो है यूथ कैंप्स जो है बहुत बहुत मायने बहुत अनुभव महत्व देता है। तो एक बार वो है कि कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर तैयार करना एक कठिन काम है, उसमें उतरना चाहिए कि इस देश के 5 लाख गांव में 5 लाख कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर चाहिए, इससे कम पर इस देश का कोई कल्याण होने वाला नहीं। ठीक है, ये कोई वीडियो करने वाला नहीं है, डिस्ट्रिक्ट में बैठने से होने वाला नहीं है, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर चाहिए 5 लाख चाहिए। अब इतने साल काम करने वाले एकता परिषद भी क्या कहेगा 2000 गाँव में, ठीक है, अब इतने साल काम करने के बाद आप कह रहे हैं 2000 गाँव में हमारे कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर है, तो 5 लाख गाँव कहाँ, इतने दूर। ठीक, तो इसलिए उसकी गंभीर, क्योंकि कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर तैयार करना आसान नहीं है और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर को निष्ठा से वहाँ टिके रहना आसान नहीं है। और अब ऐसे समय आ गया जहाँ उस समय तो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर्स को सपोर्ट करने के लिए थोड़ा बहुत तुम्हारा भोजन और कपड़े का फिक्र मत करो, जाओ गाँव में काम करो, इतना कहने का। अब इस समय वो भी खत्म होता जा रहा है, संभावना भी खत्म होता जा रहा है, तो कम्युनिटी आधारित जीने वाले कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर्स, ठीक है, हमने बिहार में उसका प्रयोग किया था गया में, कि हर गांव में एक एक छोटा सा वैकल्पिक विद्यालय खोल दिया, तो गुरुजी को रहने के लिए लोगों ने जगह दिया, गुरुजी हो गए इसलिए गुरुजी को रहने के लिए जगह दे दिया। और गुरुजी का घर, हर घर में खाना बंधा हुआ था, सवेरे कहाँ नाश्ता करेगा, दोपहर को कहाँ खाना खाएगा, रात को कहाँ खाना खाएगा, तो रहने का घर था, खाने का गारंटी था, तो गुरुजी लोग 50 गाँव में टिके। घर कोई नहीं था, और सब बच्चे आके वही पढ़ाई भी करते थे, और गुरुजी खाने के लिए घर घर जाते थे और गुरुजी को खाना खिलाने के बाद ही घर वाला खाते थे, तो सबसे अच्छा खाना गुरुजी को ही देते थे। इसलिए कम्युनिटी आधारित जीवन जीने की तैयारी उसी कम्युनिटी से, वो बहुत जरूरी, उसी कम्युनिटी से भी हो सकता है, कभी कभी बड़ बगल के गांव से भी हो सकता है, लेकिन अच्छा ये होगा कि सी मेरे बीमारी का इलाज मैं तलाश सकूँ, नहीं वो ज़्यादा आवश्यक है, उस दिन का भावना मेरे गांव की समस्याओं को मैं हल कर सकूँ, मैं देश के लीडरशिप दे सकूँ ना दे सकूँ, लेकिन मेरे गाँव को तो कम से कम लीडरशिप दे सकूँ, उस प्रकार की भावना वाले हजारों युवाओं को तैयार करने की बात। तो अब तो ऐसा है कि कम्युनिटी आधारित जीने वाले कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर्स चाहिए, ऐसे 5 लाख लोग चाहिए, तो ये बहुत बड़ा फायदा है, उस दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है, एक एजेंडा जिस पर काम करने की आवश्यकता। अब इसमें एक बड़ा प्रयोग मैंने जो किया, ये एंगर वाला एजेंडा में किया, क्योंकि ये जो समझ है कि एंगर एक अच्छा इमोशन है, भगवान ने दिया है सबको, इसलिए युवक लोग गरीबी के बारे में, अन्याय के बारे में गुस्से में, अंदर भगवान ने इमोशन दिया तो उसका उपयोग हो रहा है कम से नहीं, तो क्या करते आप, कैसे लोगों को गर्म करते ले? तो इसलिए वो एंगर को एक नेगेटिव इमोशन समझने के बजाय उसको एक पॉजिटिव इमोशन समझे, और वही एंगर को हम इस्तेमाल नहीं किए ठीक से समाज परिवर्तन के लिए, उसी एंगर को इस्तेमाल करने वाले बंदूक वाले दूसरी तरफ है समझना, इस तभी आपको अपने स्पीड बढ़ाने की इच्छा होगी। ठीक है, वही एंगर है, वही एलिमेंट है जिसको हम भी काम में ला सकते हैं, वो भी काम में ला, ठीक है, ये कहने से फायदा नहीं है सब लोग ऐसा कर लिया, ऐसा कर लिया, तोड़फोड़ कर लिया, क्योंकि आपने क्या किया, आपने तो कुछ किया ही नहीं। तो एंगर अनएम्प्लॉयमेंट के कारण, गरीबी के कारण, शोषण के कारण, करप्शन के कारण जो एंगर है, उस एंगर एनर्जी, सोलार एनर्जी जैसे, विंड एनर्जी जैसे, एंगर एनर्जी को पॉजिटिव काम में लगाने की हमारी तैयारी क्या है। एकमात्र एलिमेंट आपको उपलब्ध है गांव में, पैसा शायद कम मिलेगा, गांव में आपको ये जो गुस्सा बहुत मिल जाए आप बात शुरू कर दो वो तो गाली देना शुरू कर दे, क्योंकि उनको पता है कि सबके सब घटता है, सबके सब गा गए तो अब आपको आनंद आना चाहिए उस डिस्कशन में। दिस एंगर, ये जो एंगर है, हाउ डू यूज इट, क्योंकि
रिसोर्सेस नहीं है कहने के बदले इसको एक रिसोर्सेस के रूप में देख लें, दिस इज द एंगर दैट विल वर्क. तो उससे कहेंगे चलोगे दिल्ली, अरे आप चाहो तो अमेरिका चलो. जवाब तो ऐसे आता है ना. तो ये इतना गुस्सा है उसके अंदर, वो कहते हैं कि कान चलने को चिखा मत, जाके देख लेंगे. ठीक है, इसलिए मुझे लगता है दो कारणों से उस एंगर को, उस म्यूट. और एंगर ऐसा एक एलिमेंट है जो बाकी सब इमोशंस से भिन्न है, क्योंकि उसमें से आपका ताकत चार गुना बढ़ता है. ओनली व्हेन यू आर एंग्री आप ऐसे कुछ हरकतें कर डालता है जो अन्यथा कर नहीं सकते. ठीक है, इसका मतलब एंगर गिव्स यू मेनीफोल्ड एनर्जी, बहुत बहुत ताकत देता है एंगर, और एनर्जी को बढ़ाता है शरीर. ठीक है, तो इतना बड़ा अगर एक एनर्जी है लोगों के अंदर, इसको संगठित करने में हम क्यों विफल हो रहे. ठीक है, उसी इसलिए मध्यम वर्गीय लोगों को संगठित करके कुछ करना क्यों कठिन. उसके अंदर कोई गुस्सा नहीं है. हाँ, वो तो क्या भैया, कंफर्टेबल हो तो कुछ कर लेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे. लेकिन गरीब को संगठित करके कुछ भी करना आसान है. तो मुझे लगता है कि हमारे साइंटिफिक अप्रोच ये होना चाहिए कि समाज में बहुत समस्या है, लेकिन समाज में बहुत बड़े क्वांटम ऑफ एंगर भी. इस एंगर को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाएंगे तो समस्याओं का हल हो सकता है. जब मैं 50,000 लोगों को लेकर चलता हूँ तो 50,000 किलोग्राम एंगर है, गुस्सा है, ठीक है, बॉम्ब है. इसलिए उसको संभालना मुझे नहीं आए तो बढ़ जाएगा. तो एंगर को कोऑर्डिनेट करने वाले लोगों को एंगर संभालना भी आना चाहिए, नहीं तो जबरदस्त खतरा भी है. वो पत्थर तोड़ेगा, लोगों को मारेगा, तो आप परेशान हो जाओगे. तो मैं कह रहा हूँ कि डू इट इन अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड वे. यस, कोई क्वेश्चन और इसके, जब एंगर मिसिंग है जैसे मिडिल क्लास में, तो या तो एक तरीका है एंगर उकसाना, या दूसरा है कि आप किसी ईगो को अपील करें कि यार क्या मॉरल या ईगोइस्टिक अपील, या आप किसी पर्सनल गेन को अपील करें, लर्निंग है, फन है. तो इज देयर इंट्यूटिवली आर देयर सम अपील्स जो ज्यादा प्योर है या ज्यादा नॉन वायलेंट है या ज्यादा सस्टेनेबल है कंपेयर टू अदर्स. मुझे लगता है कि मिडिल क्लास के अंदर जो इमोशन जगा सकता है वो है शिवानी, लेकिन वो गिल्ट, क्योंकि वो उसको बहुत दुख पहुंचाता है. देखिए कि तो ये सब एंजॉय करने एट व्हाट कॉस्ट, किसके 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 छीन के खा रहे हो अपना. वो जगाया जा सकता है, उसकी स्पेस है. लेकिन दूसरी तरफ प्राइड जगाया जा सकता है. डू आई वॉन्ट टू लिव इन ए कंट्री वेयर देयर इज सो मच ऑफ इनजस्टिस एंड करप्शन एंड पॉवर्टी. ये मेरे 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 अभिमान को ये बहुत टेस्ट पहुंचा है. इसको जगाए, गिल्ट को जगाने से ज्यादा, गिल्ट को जगाने से ज्यादा हमारे जो प्राइड है. एज एन इंडियन मैं NRI लोगों से हमेशा पूछता हूँ, भारत में तुमको शर्म नहीं आता, तुम इतना लाते ये नहीं हो, वहाँ देश के बारे में बोलते समय, अपने देश के हालात को बोलते समय कोई शर्म नहीं आता. वो न्यूक्लियर है, वहाँ फलाना बोलते रहते हो, वहाँ तो इतनी गरीबी है. तो मुझे लगता है कि प्राइड को जगाए. As an Indian, I don't want to live in a country where there is so much injustice and poverty, and I want to change it. Pride को जगाना ज़्यादा अच्छा होगा, positive होगा ऐसे. वो एक it invokes that. आज दीपिका जो बात कर रहे हैं, अच्छी बात कर रहे हैं. ये सब कुछ करके अगर हम लोग जहर खा रहे हैं और हमारे जो food ऐसे medicine, वो कह रही हैं दीपिका, food ऐसे medicine. आप ये भोजन अपने जिंदगी को सुखद बनाने के लिए खा रहे हैं और मरने के लिए खा रहे हैं. तो हैविंग गुड फूड इज योर इंटरेस्ट, देन हैविंग गुड फार्मर इज आल्सो योर इंटरेस्ट, हैविंग गुड लेबर इज आल्सो योर इंटरेस्ट. सो आप अपने सेल्फिशनेस से भी उसको जोड़ सकेंगे. फूड इज ए मेडिसिन. नहीं तो मैं ये सब खाता हूँ, उसके बाद इतना ही पैसा लेके डॉक्टर के पास भी जाता हूँ. तो शी वाज रेजिंग ए वेरी इंटरेस्टिंग इश्यू, वो भी हो सकता है. या तो दूसरों के भलाई के कारण आप जागो, नहीं तो अपने स्वार्थ के कारण जागो, कुछ तो जागो. ये जो सोया वाला जो अभी आप कह रहे हैं,
वो भी वो पूरा जो हैप्पीनेस वाला भी कॉन्वर्सेशन ये सब होने का हैप्पी नहीं है तो फिर मन किस बात के लिए एब्सोल्युटली इसलिए मुझे लगता है कि देयर आर मेनी एंगल्स फ्रॉम वेयर यू कैन कैच द मिडिल क्लास लेकिन सोया हुआ आदमी को जगाना कठिन नहीं है सोने का नाटक करने वाले को जगाना करने वाला जो पुराना बहुत सच ये जो ड्रामा वाला है कि हम लोग सब आनंद में हैं आपको दिखाते रहेंगे हम बहुत आनंद में हैं हमको क्या परेशानी है तो एक साइंटिफिक अप्रोच एंगर को लेकर जिसको मैं करता रहा और मैं कल जो उदाहरण बताया परसों दीक्षांतर में जो उदाहरण बताया वो था कि जब 25,000 लोग यात्रा कर रहे थे एक ट्रक अंदर घुस गया तीन लोगों की मृत्यु हो गई तो जनरली क्या होता है तीन लोग अपने साथी लोगों का निधन हो जाए तो 25,000 लोग तुरंत क्या करेंगे ट्रक वाले को मारेगा उसको उसका जान लेगा फिर सारे सड़क ब्लॉक करेगा सब कुछ करेगा और वहाँ जो दृश्य था उसको देख के फिर मिडिल क्लास लोगों के अंदर आश्चर्य हो जाएगा क्योंकि 25,000 पीपल आर सिटिंग ऑन द रोड एंड मेडिटेट नो हंगामा तो पहले जो साइट में आने के लिए घबराए हुए कलेक्टर और कमिश्नर सब बाद में आए तो उन्होंने कहा कि हम सोच रहे थे सब वायलेंट हो जाएंगे आप लोगों का इतना ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट हमको पता नहीं था तो वो सब तो ठीक था और डेड बॉडी निकालने के बाद फिर हम लोग यात्रा आगे बढ़ाए मथुरा के पास लेकिन उसकी सबसे इंटरेस्टिंग भाग क्या था कि वो उसी दिन रात को तीन पुलिस वाले आए और हमारे हाथ में 3,00,000 रुपया रखा और कहा साहब ये पैसा उन परिवारों में पहुंचा दीजिए जिनका निधन हो गया तो हमें भी आश्चर्य हुआ कि पुलिस वाला पैसा देता है सुना नहीं था लेकिन ये उनके दिल को भी छूते ये हमारे कहीं लापरवाही रहा होगा नहीं तो तीन आदिवासी लोग मर गए तो क्या पुलिस वालों को कौन से ऐसे एक्शन होगा लेकिन तीन लोगों का मरना उनके दिल को भी छू गया और ऐसे बहुत अनुभव हुआ पूरी यात्रा के वर्णन करूं तो इतने अनुभव है नॉन वायलेंस का इम्पैक्ट क्या है आपको तब समझ में आता है कि ऑर्गेनाइज्ड नॉन वायलेंस का ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट का बहुत इम्पैक्ट है अखबार वालों ने क्या लिखा इसी रास्ते से कुछ दिन पहले 500 लोगों का पॉलिटिकल पार्टी का रैली दिया था उन लोगों ने पूरा रास्ते में कोका कोला पिया रास्ते भर में केला खा के छिलका फेंका और गंदा करके गया और ये देखो 25,000 लोग जा रहे हैं पीछे एक कागज का टुकड़ा भी गंदगी नहीं की अखबार वालों ने कंपैरेटिव और उन्होंने कहा कि अगर गरीब लोग ये कर सकता है इस देश के पढ़े लिखे लोग क्यों नहीं कर सकते सो इट्स बेसिकली एजुकेशन और कई ऐसे इंटरेस्टिंग बातें हुई तो I think एक मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा तो ये जो इन्होंने किस्सा बताया तो मैं जिस वक्त जनसत्याग्रह के साथ था तो मुझे भी ये स्टोरी पता चली तो उसमें कुछ लोगों ने ऐसे किया कि ट्रक जब एक्सीडेंट करके जब उस तरफ अपोजिट साइड में चला गया तो वहाँ के आसपास लोग आके काफी उकसा रहे थे लोगों को तो लेकिन जो यात्रा में चलने वाले लोगों ने उस ड्राइवर को अपने अंडर में रखा ताकि उसको कोई और मतलब मारे पीटे नहीं और उसको भी उसी एम्बुलेंस में लेके जाने के लिए बोल दिया और उसको हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करा के एंड आई थिंक वो डर गया था इसलिए वो भाग गया तो वो भी एक बड़ा मतलब इंस्पिरेशन था कि जिनके साथ ही हुआ उन्होंने ही उसको प्रोटेक्ट किया वहाँ के लोगों के इसलिए मैं ऑर्गेनाइज्ड सोशल मूवमेंट के पक्ष में हूँ कि आपके हाथ से बाहर जा सकता है चीज़ इसलिए आप जब मैं जब 25,000 या 50,000 के सामने चलता हूँ आई एम वेरी कॉन्फिडेंट 50,000 पीपल बिहाइंड विल बी विदाउट नो प्रॉब्लम होगा तो भी शाम के सभा में थोड़ा हंगामा कर लेगा कुछ ना कुछ नहीं करेगा तो वो ऑर्गेनाइज सोशल मूवमेंट का खुला है तो उसका पूरा एक सिस्टम है इस पूरे इसमें एक लीडर ऑफ सिचुएशन उनका क्या गोल्स होगा कैसे लीडर का थोड़ा ज्यादा क्या है फिजिकली अलग अलग प्रकार के लीडरशिप है उसमें अब आप देखेंगे तो उसका पूरा लॉजिस्टिकल लीडरशिप एक व्यक्ति के हाथ में होगा वो एक अपना टीम बनाता है हजार कटोरी बनाते हैं
फिर हजार हजार के कुकिंग का स्पेस तय करता है, फिर हजार हजार लोग दिन भर चलने के बाद रात को पहुंचते समय उनको वन मील ए डे मिल जाता है, फिर वो सब नाचते खेलते वही सो जाता है। तो हजार का एक लीडरशिप है, उसको लॉजिस्टिकल लीडरशिप एक, फिर इंफॉर्मेशन का लीडरशिप एक जो हर ग्रुप में क्या हो रहा है, कौन बीमार है, किसको एम्बुलेंस में बिठाना है, किसको गाड़ी में बिठा के आगे ले जाना है, पूरे इंफॉर्मेशन फ्लो का एक एक पूरा एक लीडरशिप है। और फिर एक टोटलिटी में एक मॉरल लीडरशिप जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं सामने चलता हूँ और लोगों को लगता है वो सामने चल रहा है कुछ डरने की जरूरत है, तो उस प्रकार का है। फिर एक डायलॉग लीडरशिप है, बात करना मंत्री से मैं नहीं जाता, मैं कहता हूँ कि मैं चलता हूँ, मैं नहीं जाता, ठीक है, मैं चलना शुरू करने के पहले आप बात करो, चलना शुरू किया तो महीने भर मैं नहीं जाऊँगा कहीं, तो फिर रमेश या कोई लोग ऐसे बोलता है, तो डायलॉग लीडरशिप दूसरा है, मैं नहीं जाता उस बातचीत में। तो अलग अलग प्रकार की लीडरशिप, फिर कुछ लोग फाइनेंस को देखते हैं, तो एक जरूर एक मैं महसूस करता हूँ कि एक मॉरल लीडरशिप का एक एक बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका है उसमें, लेकिन एक व्यक्ति के भरोसे ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, यानी मेरे टीम ऑफ लीडर्स प्लेइंग डिफरेंट रोल्स, उसको इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारे बास्केट में हमेशा क्या दिक्कत क्या है सोशल मूवमेंट में भी, हम सब अपने अपने जैसे लोगों के तलाश में, हम मिरर इमेज के तलाश में, कि मेरे जैसे लोगों को मैं साथ रख सकता हूँ, बाकी लोगों को नहीं रखूँगा, लेकिन एक मूवमेंट चलता नहीं है ऐसे, मूवमेंट चलता है अलग अलग प्रकार के लोगों के, सी फ्यू हैव अलग अलग कैपेसिटी वाले, और ये रियलाइजेशन दैट लुक मुझे वो कैपेसिटी नहीं है और बाकी लोगों में है, ऐसे 10-20 लोग इकट्ठे हो जाएं और वो लीडरशिप प्रोवाइड करें, और ईच वन हर एक व्यक्ति में एक विशेष हो, तो उस प्रकार के मूवमेंट की सफलता की गुंजाइश क्या है। एक ही जैसा होगा तो सब लोग कहेगा हम तो लोग सब सामने चलते पर भी पीछे कोई होगा क्या देखेगा। आप देखेंगे एकता परिषद जैसे संगठन में रैन सिंह हमारे प्रेसिडेंट है, वो कभी सामने दिखाई नहीं, आपको कभी ये दिखाई पड़ेगा नहीं, लोग पूछेंगे आपका प्रेसिडेंट कहाँ है, किसी को पता नहीं आपका प्रेसिडेंट कहाँ है, चलते हैं वो तो कहीं रसोई चला रहे होंगे बीच बीच में, रसोई चला रहे, वैसे बहुत इंटरेस्टिंग है ना, संतोष जानते हैं क्योंकि वो नम्रता भी चाहिए, मैं प्रेसिडेंट हूँ इसलिए मुझे सामने रहना चाहिए, वो सोचेगा तो गड़बड़ हो गया, मेरा स्किल ये है, मैं प्रेसिडेंट हो सकता है, मेरा स्किल ये है, मैं इसको करूँगा, दूसरा करेगा, तो वो जो कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट म्यूचुअल, उसके बावजूद भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ऐसी बात नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट को फिर हम रात को बैठ के ठीक करता है कि क्या क्या हुआ, क्या क्या प्रॉब्लम हुआ, उनको अच्छी तरह बताया कॉन्फ्लिक्ट के इसलिए तो वो है कॉन्फ्लिक्ट्स एंड कॉम्प्रोमाइजेस। तो गुड, अब इसमें मैंने कल जो क्विक क्वेश्चन, हाँ जी, ये जो कॉन्फ्लिक्ट और कॉम्प्रोमाइज का प्रश्न है, इसमें कल जैसे जिनने बात की थी कि आपके वैल्यूज और आपके लोगों के वैल्यूज और द चॉइस ऑफ स्टिकिंग एंड ट्राइंग टू शिफ्ट देम या अकोमोडेटिंग एंड एक्सपैंडिंग, तो ये संवाद के थ्रू आप उसको मिडिल ग्राउंड ढूंढते हैं या हाउ डज इट वर्क, मतलब किस तरह आप इसे किस तरह करते हैं, आप कुछ प्रिंसिपल्स पे हैं लेकिन लोग आपके स्तर पे या आपके साथ नहीं है, तो क्या वो नेगोशिएबल है या कुछ नॉन नेगोशिएबल है? नेगोशिएबल है, क्योंकि ये जो रियलाइजेशन है, समझ है कि पीपल आर डिफरेंट, पीपल आर डिफरेंट, ये एक रेडीमेड शॉप से आए नहीं है, सब अलग अलग जगह से आए, तो वो अगर हम समझ दें मोटे तौर पर पीपल आर डिफरेंट एंड और हर एक व्यक्ति अपना स्किल्स एंड कैपेसिटीज लाता है इस पास का, देन यू स्टार्ट लुकिंग एट एवरी इंडिविजुअल विद ग्रेट रिस्पेक्ट, बिकॉज वो उन्हें नहीं होता तो काम नहीं चले। और परसों जिस बात को हम लोग कह रहे थे कि वो लीडरशिप में भी वो धीरे धीरे वो नम्रता डेवलप करना होगा कि एवरीथिंग इज नॉट गोइंग बिकॉज ऑफ मी, सब कुछ मेरे कारण हो रहा है, अगर कहीं दिमाग में बैठ जाए दैट इज द एंड ऑफ इट, ठीक है, एवरीथिंग इज गोइंग वेल बिकॉज देयर आर हंड्रेड्स ऑफ पीपल, इतने सारे लोग इस काम में लगे हैं और सबके मदद से चीज़ें हो रहा है, ये बात
समझ में आना चाहिए। फिर नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग स्पेस क्या है उसको तलाशना। कॉन्फ्लिक्टिंग स्पेस हम लोग सब तलाशते हैं, कहाँ मैं आपसे भिन्न हूँ इसको तलाशने में बहुत टाइम खर्च करता है, लेकिन कहाँ हम एक साथ हैं, कहाँ कहाँ है वो स्पेस जिसमें हम लोग संवाद कर सकते हैं। तो नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग स्पेस को तलाशना, भिन्नता क्या है इसमें, क्या रखा बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि इस देश में सोशल मूवमेंट बिल्ड ना होने का कारण है। सोशल मूवमेंट बिल्ड हुआ तो भी इतने स्केल में बिल्ड नहीं हुआ देश को जिला सके। जयप्रकाश जी के मूवमेंट बिल्ड हुआ उस समय तो एक एक सत्ता पकड़ने का एक लालसा था, इसलिए सब लोग एक साथ आ गए, कॉन्फ्लिक्ट को भूल के टेम्परली को, जैसे सत्ता में आ गया फिर कॉन्फ्लिक्ट शुरू कर, ठीक है। लेकिन सत्ता के लिए नहीं है, समाज परिवर्तन के लिए, इसमें मुझे कुछ मिलना नहीं है, ठीक है। बदले हुए समाज में जीना है, ठीक है, यही कल्पना लेके एक अच्छा समाज में जीना है, इसलिए मूवमेंट बिल्डिंग जरूरी है। ऐसा समझ के साथ से मुझे क्या मिलेगा वो पहले आइडिया तय हो जाए तो फिर सब लोग लग जाएगा उसमें, लेकिन मुझे कुछ मिलना नहीं है उसे इन टर्म्स ऑफ मटीरियल एंड पावर, लेकिन फिर भी मुझे इसमें खपना है। ऐसे एक सोशल मूवमेंट इसलिए बिल्ड नहीं हो पा रहा है क्योंकि हम सब लोग डिफरेंसेस को तलाश, ठीक है, उनके साथ मैं नहीं चल सकता, इनके साथ मैं नहीं चल सकता। एक बार चर्चा हुई थी, अभी भी चर्चा चल रही, सारे मूवमेंट मर्ज क्यों नहीं होते और किसी एक व्यक्ति के लीडरशिप को सब मिलकर एक्सेप्ट कर लेकिन दैट शुड बी डिस्कस्ड एंड देन इट शुड बी अंडरस्टूड। इस देश को बचाना ज़्यादा जरूरी है, वो नेता बनेगा ज़्यादा जरूरी है, वगैरह वगैरह, इतने हम्बल सारे लीडरशिप को होने की आवश्यकता है। मैं उस विषय में अन्ना हजारे से भी कई बार हो गया बात कर रहा हूँ, क्या कांट बी डू समथिंग लाइक दैट। लेकिन आने वाले दिनों में वास्तव में इस देश की जो हालात है आज ग्लोबलाइजेशन से, मार्केटाइजेशन से जो है, उससे मुक्ति पाना है तो एक मास मूवमेंट की आवश्यकता। मनीष भाई के साथ भी मैं बात कर रहा था, वो मास मूवमेंट दैट कैन मेक द स्टेट अकाउंटेबल। स्टेट इज नॉट अकाउंटेबल टुडे बिकॉज देयर इज नो मैकेनिज्म। पाँच साल के इलेक्शन में क्या है, पाँच साल के इलेक्शन में दारू से, डंडे से, शराब से आप निपट लेंगे, वो कोई डेमोक्रेसी वेमोक्रेसी कुछ उसमें ज़्यादा झलक नहीं रहा है क्योंकि सर फेक डेमोक्रेसी ना। लेकिन एक्चुअली अब वो उस समय एक्टिवली भाग लेने वाले लोग भी उसके बाद पाँच साल के लिए चुप ही है। तो ये नॉन फंक्शनिंग डेमोक्रेसी हमारे देश में, डेमोक्रेसी ऐसा है कि जो डे टू डे उसका कोई भूमिका नहीं दिखाई पड़ रहा, साल पाँच साल में एक बार वोट डाल देता है। तो मुझे लगता है कि डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द सोसाइटी, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी दैट कैन मेक द स्टेट अकाउंटेबल ना, वो सशक्त डेमोक्रेसी जो सत्ता को वो विनोद जी के भाषा में कहें, सत्ता एक हाथी, हाथी को एक छोटा सा मुकुट चाहिए, छोटा लड़का भी हो सकता है, ठीक है, इधर चलाने उधर चलाने बोले आपको आश्चर्य होगा ये छोटा लड़का एक भैंस को कैसे चला लेना होगा, लेकिन एक छोटा लड़का इतने भैंसों को चला देता है। सत्ता मदमस्त है, अगर उसके ऊपर एक मुकुट नहीं है, एक चलाने वाला नहीं है तो वो कुछ भी कर रहा है, लेकिन एक चलाने वाला हो तो वो उसी रास्ते पर चलेगा जहाँ से चलना है। तो इस देश में हमने सत्ता को तो खड़ा किया, सत्ता को नियंत्रित करने वाला वो छोटा लड़का तैयार नहीं, ठीक है, तो वो खा रहा है, सब खेत में घुस रहा है, सबके फसल खा रहा है, सबके घर तोड़ रहा है जी। और उस मेटाफर को एक्सटेंड करके तो जैसे महोत्सव भी एक छोटी ग्रुप ऑफ सिटीजंस है, मूवमेंट जो उसे करे हाथी को चला है, और उसका जो अंकुश है यानी जिससे वो महोत्सव होकर दस वुड दैट बी मॉरल वैल्यूज के थ्रू या व्हाट वुड बी द आई थिंक एक तो पीपल्स पावर होगा। सी संगठित जनशक्ति के साथ सत्ता शक्ति को जुड़ा, डेमोक्रेसी तो वही सिखा रहे हैं। तो फिर अगेन विनोद जी से कहूँ तो संगठित सत्ता शक्ति के सामने संगठित जनशक्ति, संगठित जनशक्ति को नियंत्रित करने के लिए नैतिक शक्ति, नैतिक शक्ति को सपोर्ट करने के लिए स्पिरिचुअल शक्ति। समाज एक से नहीं चलता, सिर्फ सत्ता से समाज चलता। सत्ता को इतनी खुली छूट, सत्ता को बिल्कुल अनियंत्रित छूट,
जहाँ चाहे दस्तखत मार दे, ठीक है, उस अवस्था से मुक्ति लाना बहुत जरूरी है। इसलिए जनशक्ति, नैतिक शक्ति और अध्यात्मिक शक्ति, और समाज में ये सब शक्तियाँ उपलब्ध हैं। दिक्कत कब पैदा हो गया, जिससे हम उम्मीद कर रहे थे कि आध्यात्मिक शक्ति से वो सत्ता को नियंत्रित करेगा, वो सत्ता शक्ति की शरण में आ गया, वो भी उसके गुणगान करने लगे, उनको माला पहनाने लगे, उनका हृदय जलाने लगे। एक समय था जब प्रधानमंत्री विनोबा जी से मिलने के लिए सेवाग्राम वर्धा जाते, पंच ये पंचवर्षीय योजना पर आपका सलाह चाहिए। सत्ता शक्ति आध्यात्मिक शक्ति के सामने, नैतिक शक्ति के सामने जाते, अभी सारे नैतिक शक्ति आध्यात्मिक शक्ति दिल्ली जाने के, आप भी हमको भी पूरा कैबिनेट में घुसा दो, कोई कमेटी में सदस्य बनता, ये जो गिरावट आई है हमारे नैतिक शक्ति में, वो एक बड़ी चिंता का विषय, तो उसको कैसे बिल्ड करेंगे। इसलिए हमारे जैसे लोग शायद पॉलिटिकल शक्ति के रूप में उभरेंगे, पॉलिटिकल शक्ति माने वो जो जनशक्ति के रूप में उभरेंगे, लेकिन हमारे ऊपर भी नियंत्रण चाहिए। हम अगर जनशक्ति अनियंत्रित हो जाए तो भी दिक्कत हो जाए जनशक्ति पर भी। अब 76 के आंदोलन में ये जनशक्ति जो उभर के आया इंदिरा गांधी के विरोध में, उसके पीछे किसका नैतिक शक्ति, सिर्फ जयप्रकाश नारायण, जेपी ने कहा है कि ये सब कितनी बार हम लोग सब जेपी का नाम लेके क्या क्या नहीं करते, तो इसलिए एक नैतिक शक्ति पीछे रहना बहुत जरूरी है, जिसके नाम से आप काम चला सकते। वेरी गुड, तो ये है मामला। अब इसमें सॉरी वन मोर थिंग, अगर रेलेवेंट है तो पास कर सकते हैं। तो ये जो जीपी मूवमेंट था शुरू हुआ, पर एट सम स्टेज बिखर गया है, उसमें से स्पिन ऑफ हो गया, और काफी सारे उसमें से जो निकले हुए हैं वो तो इनफैक्ट उसके ऑपोजिट लगे, बस इतने ऑपोजिट चला गया। तो वो जो छूटना है, वो क्या हुआ कि वो छूट गया, मतलब जो बना था तो ऐसा क्या नहीं किया उन्होंने या उनके लोगों ने कि वो छूट गया आगे बढ़ने के बजाय? उसका एक कारण है, वो ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट नहीं, निजी से प्रशिक्षण से आए हुए लोग नहीं, उसमें थोड़ा छात्र संघर्ष वाहिनी के लोग प्रशिक्षित हुए होंगे, लेकिन बीजेपी के लोग, जनसंघ के लोग और कांग्रेस के लोग वही प्रशिक्षित नहीं था, ना लालू प्रसाद यादव प्रशिक्षित थे, ना कोई प्रशिक्षित था, ये सब इकट्ठे हो गए। इमरजेंसी है, तो इसलिए डेमोक्रेसी का एजेंडा लेके सब इकट्ठे हो गए, और सबको पता था कि इस समय उसको गिराएंगे तो सत्ता हमारे हाथ में आएगा। सत्ता के लिए आज भी लोग इकट्ठे होते हैं, अभी जैसे बिहार में फिर इकट्ठे हो गए थे ना इंटरेस्ट में, तो सत्ता के लिए इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन वो परिवर्तन के लिए इकट्ठा नहीं। इसलिए सत्ता परिवर्तन व्यवस्था परिवर्तन नहीं, ये समझ लें, सत्ता परिवर्तन व्यवस्था परिवर्तन नहीं है। सत्ता परिवर्तन के भ्रम में हम लोग घूम सकते हैं, उससे कोई व्यवस्था बदलने वाली नहीं। वो बीजेपी चलाएंगे देश को या कांग्रेस चलाएंगे, उसी व्यवस्था को चलाएंगे। पहले ऐसा कहा कि अंग्रेजों से शासन दिल्ली में आ गई, तो कोलू वही रहा, बैल बदल गया, कोलू वही है, तेल वही निकलेगा, बैल बदल गया, गोरे बैल के बदले काला बैल, तो क्या बरपुरने वाला। इसलिए कोई व्यवस्था में तो कुछ परिवर्तन तो किया नहीं, इसलिए व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में उतरने की जरूरत है। How do you see the AAP government in Delhi? आम आदमी पार्टी के सरकार भी वो एक पॉलिटिकल अल्टरनेटिव है, अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स नहीं, तो फर्क समझ में कि वैकल्पिक राजनीति नहीं है, वो राजनीतिक विकल्प है, ठीक है। आपको तो आप थक गए कांग्रेस से बीजेपी से, कुछ है आज अरविंद की जो स्थिति है वो राजनीतिक विकल्प, वैकल्पिक राजनीति के लिए शुरू किए थे लेकिन वहां नहीं पहुंच पाए, क्योंकि वो सत्ता के कुछ अपने प्रश्न है, तो उसमें आप फंस गए। तो हम चाहते हैं कि एक ऐसा जन आंदोलन हो देश में जो व्यवस्था परिवर्तन की एजेंडा को लेकर, मनुष्य मनुष्य बराबर है, ये समझाने में 68 साल में नहीं कायम काबिल है। इतने तो बता रहे ना, और कुछ तो नहीं बता रहे, कौन सी बड़ी बात आता है,
मनुष्य मनुष्य बराबर है, नहीं मान सकते भारत मानस, नहीं मान सकते दलित अलग है, आदिवासी अलग है, स्त्री अलग है, मनुष्य मनुष्य बराबर है मानने में इतनी इतराज करने वाला कोई समाज दूसरा ही नहीं है। ठीक है, इतनी बात हम नहीं मना पा रहे हैं, दूसरी बात है। व्यवस्था किस तरह चलती है वो समझने की ट्रेनिंग, तो जो आप कहते हैं कि मूवमेंट को साथ रखने के लिए ट्रेन करें, तो आपने जो कैंप कहा उस तरह की ट्रेनिंग है, व्हाट इज द एसेंस ऑफ व्हाट पीपल नीड टू बी ट्रेन्ड फॉर? उसमें हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम क्या मस्ट, एक घंटा काम, काम किए बिना श्रम के प्रति निष्ठा नहीं पैदा, यहां भी करते थे एक घंटा श्रम कर, पसीना बहाना सीख, झाड़ू लगाना सीख, फावड़ा चलाना सीख, ठीक है, ताकि श्रम करने वाले लोगों के प्रति श्रद्धा करना सीख। कि श्रम किए बिना खाली सवेरे उठते ही अगर आप डिस्कशन शुरू कर दोगे तो फिर आप एक दूसरे के इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड में रहोगे, सपना दूसरा होगा लेकिन करेगा काम का नहीं हो। दूसरा, सर्वधर्म प्रार्थना मस्त है, क्योंकि भारत जैसे देश में जीना है तो आपको सर्वधर्म को प्यार करना, सर्वधर्म को टॉलरेंस नहीं, रिलीजियस टॉलरेंस नहीं, रिलीजियस रेस्पेक्ट, ठीक है, आप आपको टॉलरेट करने की कोई जरूरत नहीं, टॉलरेट क्या करोगे आप, उसको सम्मान करो, दूसरे धर्म को सम्मान करना सीखो, वो एक भाग व्यायाम है सर्वधर्म प्रार्थना। फिर बाकी समय आप थिएटर के माध्यम से, गीत के माध्यम से अध्ययन का एक इंटरेस्टिंग साइड डेवलप करो, सीखने का, सीखने की इंटरेस्टिंग साइड डेवलप। कई बार अक्सर हमारे शिविर में आने वाले लोगों को कभी उस पूरे वो ये जो लिखा पढ़ी के काम में जाने का मौका नहीं मिला, तो वहाँ लिखा पढ़ी का कोई महत्व नहीं, हम लोगों के यहाँ पे रुक जाता है, अगर कुछ ड्राइंग वाइंग कर लो तो अलग हुआ, बाकी तो सब डिबेट डिस्कशन से ही होता है, लेकिन उसमें फिर वो लीडरशिप उठा सकते हैं। फिर शिविर के अंतिम में हम क्लासिफाई करने लगते हैं इसमें कितने लोग श्रम के क्षेत्र में लीडरशिप दे सकता है, इसमें कितने लोग कला के क्षेत्र में लीडरशिप दे सकते हैं, इसमें कितने लोग इंटेलेक्चुअल डिबेट और डिस्कशन में लीडरशिप दे सकते हैं, और कितने लोग रचनात्मक काम में लीडरशिप दे सकते हैं, नहीं, क्योंकि नोबडी इज अ वेस्ट, एवरीबडी इज यूजफुल बट इन डिफरेंट वे, नहीं, हर एक व्यक्ति अपने काम के अनुकूल है लेकिन किस किस अलग अलग फील्ड में होगा, तो उस प्रकार फिर हर व्यक्ति को स्थान मिलता है, किसी को आप नहीं कहते कि तुम पास हो गए बाकी सब फेल हो गया, तो ये सब एक साथ अलग अलग जगह पर जाने का उनको मौका मिलता है काम करने का। तो एकता परिषद में आप देखेंगे कई लोग खेती वेती डेवलपमेंट करने के काम में, तो उनको तो रचनात्मक काम में रुचि, कई लोग कला में रुचि, उनको कला लेके नाच गा के गाँव गाँव में, फिर कई लोग तो ये एडवोकेसी के काम में, सरकार से बहस करने के काम में, उनका काम एडवोकेसी का, और कई लोग फिर ये जो जो प्रशिक्षण वगैरह के काम में आगे बढ़ते हैं, दूसरों को मोटिवेट कर सकता है, दूसरों को प्रोत्साहन कर सकता है, तो एवरीवन विल हैव अ स्कोप, और जो प्रशिक्षण के बाद एक्टिवली इन्वॉल्व होना चाहता है, अपने गांव छोड़ के दूसरे कहीं जा के कुछ करना चाहते हैं, ऐसे भी कई लोग नहीं कर पाए, उनको लगता है मेरे गांव में कोई बहुत अट्रैक्टिव नहीं होगा मुझे और कहीं भेजिए, ऐसे लोगों के लिए फिर खाना कपड़ा तलाशना पड़ता है, इनका 3,000 रुपया 2,000 रुपया कहाँ से आया। उसमें भी इंटरेस्टिंग प्रोसेस था, तो शुरू में प्रशिक्षण के बाद कुछ लोग आए और कहा कि हमको आइडेंटिटी कार्ड दीजिए ताकि हम कह सकें कि हम यहाँ से ट्रेन होके आए, तो या कहा कि अपॉइंटमेंट चाहिए, तभी तो मैंने कहा कि मुझे किसी ने अपॉइंट किया नहीं तो मैं कैसे तुमको अपॉइंट कर सकता हूँ तो वो फिर शुरू सिखाना पड़ता है कि देखो ये अपॉइंटमेंट लेटर आइडेंटिटी कार्ड है तो मजा आ गया, क्या रखा तुम्हारा व्यक्तित्व है तुम्हारा आइडेंटिटी, जाओ गांव में करो, तुम शायद हमसे भी ज़्यादा पहचानेंगे। तो फिर ये आइडिया लाया ईच वन अकॉर्डिंग टू नीड नॉट अकॉर्डिंग टू योर अगर व्यक्ति बैचलर हो तो कम आवश्यकता है, शादीशुदा हो तो ज़्यादा आवश्यकता है,
ये सब बहुत अच्छी तरह प्रैक्टिस नहीं कर पाए, क्योंकि हम भी समाज के प्रेशर में कई चीज़ें ऐसे करते हैं जैसे तुम्हें करते हैं। फिर जिन एजेंसियों से आप पैसा प्राप्त करता है उनकी कुछ कंडीशनैलिटीज होता है, वो करता है कि आपको ऐसा करना है, डायरेक्टर को इतना देना है, इसको इतना इतना। तो वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस लार्जर सिस्टम, सो वेरी ऑफन वी कॉम्प्रोमाइज आवर डीप आइडियाज ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द सोसाइटी इन ऑर्डर टू फिट इन टू द लार्जर प्रोसेस। वो तो हुआ है, कई बार हमको भी अपनी बातों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। But looking back, would you still do the compromise, or would you say there is value to whether one such is a need compromise? हाँ, see, जैसे मैं मुझे आज भी लगता है कि each one according to need वाला agenda बहुत interesting। अगर उसको अगर हम कर सकें तो समाज और ज़्यादा अच्छा समाज होगा, ठीक है? वो position, education वगैरह कोई मतलब ही नहीं। नीड इस मेरे हमारे आश्रम में रहने वाले चपरासी का, खेत में काम करने वाले का 5 बच्चा है, डायरेक्टर का बच्चा ही नहीं है। तो डायरेक्टर को तनख्वाह ज़्यादा क्यों होना चाहिए, उसका तनख्वाह ज़्यादा होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू नीड है ना। तो नीड बेस्ड एक समझ जो है वो बहुत, मैं उसको बहुत मानता हूँ, करना चाहिए वो, उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं। हाँ, can you also you spoke about religion, you spoke about love, what about culture and language, how do you manage that? Say that again. So you're talking about religion, you have to love religion, you have to love culture. So how do you manage culture and language? So that's very important. In fact, एक समाज के सबसे बड़ा स्ट्रेंथ ही उनका कल्चर मानते हैं, इसलिए एंड ऑल्सो द लैंग्वेज। तो छत्तीसगढ़ में ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा तो इट्स ऑल छत्तीसगढ़, और मध्य प्रदेश में होगा इट्स ऑल हिंदी, बुंदेलखंड में होगा इट्स ऑल बुंदेलखंडी। तो इट्स देन यू नीड सपोर्ट फ्रॉम द लोकल पीपल टू रियली आर्टिकुलेट इश्यूज। ओडिशा जाएंगे तो इट्स ऑल हिंदी। और एक प्रकार वो ट्रेनिंग में मैंने उसको देखा है, अभी गुजरात में भी उतर के आए, आप एक बार कोई चीज़ हिंदी में बोलें और उसके बाद उसको गुजराती में बोलें, तो इट इज रीस्टेटिंग मेक्स इट वेरी इंटरेस्टिंग, और उससे दिमाग में बैठता भी है। तो ट्रांसलेशन इज नॉट ए वेस्ट ऑफ टाइम, और लोकल लैंग्वेज में ही वो आना चाहिए, तभी वो बैठता है अच्छी तरह से। कई बार अपन लोग सोचते हैं नहीं हिंदी सबको समझ में आता, बोलिए हिंदी में, तो मैं कहता नहीं उड़िया में ट्रांसलेशन होना। इवन दैट इन द ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या करना चाहिए कि आपने एक चीज़ बता दिया, तो कहेंगे अब मैं चार लोग आके ग्रुप में डिवाइड होगा, 4 या 5, तो 5 ग्रुप से एक एक व्यक्ति आकर इसी बात को अपने भाषा में बोले, तो वेरी इंटरेस्टिंग है। वो कोई आकर उसको गोंदी में बोल रहा है तो गोटी वालों को क्यों सबको समझ में आ गया, कोई आता उसी बात को छत्तीसगढ़ी में बोल रहा है तो सबको दोबारा समझ में आ गया। तो अलग अलग भाषाओं को प्रैक्टिस करने से दिस इज बिकमिंग क्लियर। अब वो व्यक्ति को भी लगता है कि मेरी भाषा में मुझे समझ में आ गया है। अब बुंदेलखंडी आएंगे तो बुंदेलखंडी में कोई बोलता है तो उसका बड़ा महत्व है। तो ये ट्रेनिंग का एक भाग बना दिया कि आपने एक बात बता दिया, फिर आपने कहा कि अच्छा ये तस्वीर समझ में आ गया, अच्छा चलो आप तो गोटी में इसको समझ जाओ, छत्तीसगढ़ी में समझाओ। वो मेथडोलॉजी बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया, गेटिंग वो पार्टिसिपेटरी जो मेथड है ना, सब लोग सब बातों को भी रिपीट कर। अभी भी जिस काम में लगा हूँ उसका नाम है ट्रेनर्स ट्रेनिंग। अभी 25 प्रांतों से 50 लोगों को बुलाया, और ये 50 लोग एक प्रोसेस से गया, नॉन वायलेंट सोशल मूवमेंट के लिए साथ रहे, और वे लोग अपने अपने जिले में प्रांत में चला गया। तो गुजराती में चला गया, तो तेलंगाना में चला गया। अब उनसे उम्मीद है कि वो अपने प्रांत के हर जिले से 2-2 लोगों को लाए। अभी जैसे मैं यहाँ से उड़ीसा जाऊँगा तो उड़ीसा के 30 जिलों से 60 लोग मिले थे, उसमें ये जो ट्रेन्ड लोग हैं वो लीडरशिप लेगा और मैं उनको मदद करूँगा।
that's what will all happen in Korea and UK. So, धीरे धीरे ये जो trainers का confidence बढ़ेगा, they become the trainer और district level में trainer होगा. क्योंकि जिस प्रकार के movement building के बाद मैं आप कह रहा हूँ कि मैं पिछले 25 साल काम करने के बाद ये समझ गया कि इस scale में भी कुछ ज़्यादा बदला नहीं है. 25 साल में क्या हुआ सर, 1,00,000 लोगों का मार्च कर लिया, इतना कह सकता हूँ, तो क्या होगा उससे क्या हुआ. तो जिस क्रिटिकल मास की बात आता है, सी हर एक का एक साइंस में 120 करोड़ लोगों के देश में क्रिटिकल मास क्या है जो इन्फ्लुएंस कर सकता है. 20% वो तो बहुत अच्छी बात, मैं 10,00,000 की बात कर रहा हूँ. डू वी हैव 10,00,000 पीपल टू कम आउट टुगेदर इन मार्च? 10,00,000 तो अब जब 25,000 लोग मार्च करता हो तो अभी 10 किलोमीटर ठीक है. लोग आश्चर्य होता है कि ये किनारे यहाँ पर किनारे और दिखाई पड़ता है लोग मार्च कर और सिर में पोथरी लेके बच्चों को सिर पर रख के मार्च कर. 10,00,000 लोग मार्च करने का मतलब है कि शायद एक छिला दिल्ली में होगा, एक हिस्सा ग्वालियर में होगा, ऐसा कुछ ठीक है. इस टाइम पास ये संभव है और वो इमेजिनेशन को किंतु उनको लगेगा कि बाप रे बाप ये क्या हो रहा है. लोग सड़क पर आ गए सबके सब देश, क्योंकि एक ऐसा संख्या दिखाई पड़ना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड एक ऐसा संख्या दिखाई पड़ना चाहिए जो उन्हें नहीं दिया. आपको नहीं लगा कि जब आप 50,000 भी लेके गए थे तो पूरा दिल्ली तो हिल गया? हिल गया, इसमें तो सब आए आगरा हिलने वाले थे. तो उसमें क्यों हम फिर 1,00,000, 10,00,000, मेरे को तो लगता है 10,000 भी अच्छे चल रहे हैं डिसिप्लिन और एक समझ के साथ, तो वो भी हिलाने के लिए. तो वो क्या है कि एक ऐसा संख्या है वो मनीष भाई जिसको सरकार कंटेन कर सकती है. उस समय सरकार ने सोचा बात करना है दबाव में आके, वही सरकार ये भी तय कर सकता है अगली बार इनको तोड़ दें. हम अपने स्टेट फोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये स्टेट भी अपना चरित्र बदलते जा रहे हैं, स्टेट भी अपने चरित्र बदलते जा रहा है, वही स्टेट नहीं है हम. तो उस स्टेट के साथ आपको संवाद कुछ ज़्यादा संभव हो सकता है कि आने वाले दिनों में स्टेट बहुत जल्दी बात करने के लिए आधुनिक ना तोड़ने में जा रहा है. तो ऐसे स्टेट के चरित्र को समझते हुए जो एक्शन लेंगे उसके उसका क्रिटिकल मास क्या है सर, मैं सोच रहा हूँ. हो सकता है कि मैं ओवरस्टेट कर रहा हूँ, लेकिन हमेशा चैलेंज ये है कि क्या 120 करोड़ देख के दुनिया के देश में 10,00,000 लोगों को भी संगठित नहीं कर सकता, तो अब कर क्या है ठीक है. उसमें क्या इतनी दिक्कत क्या है, क्यों नहीं? व्हाट इज द परसेंटेज? 10,00,000 जो कहा तो क्या कितना परसेंटेज हुआ? 1% को नहीं सम्मिलित कर सकता, तो सरकार सारे एनजीओस को सामाजिक संगठनों को इग्नोर कर सकता. दे आर जस्टिफाइड इन इग्नोरिंग अस, वी आर नॉट ए चैलेंज. तो हम कब चैलेंज बनेंगे, कब हम मुहूर्त बनेंगे इस हाथी के ऊपर? वो सब उस कैलकुलेशन में लगा हुआ मैं आजकल. अब होगा नहीं होगा, लेकिन प्लान होगा अगले बार का प्लान बताऊंगा आपको. कल मैंने आपको बताया कि देखो ये सब कुछ बनता है आपके एनालिसिस से. पुअर का एनालिसिस क्या है कल मैंने बताया, जब आपको मालूम हो कि दे आर कल्चरली सोशली स्पिरिचुअली रिच इकोनॉमिकली पुअर, तो आपको जो है उनके प्रति श्रद्धा बढ़ती है, उनके ताकत पर विश्वास आता है. अभी एक परेशानी क्या है, गरीबों को हमने तो ऐसे मान लिया है कि क्या कर लेगा ये, तो उसमें क्या दम है, पकड़ के लाओ तो जा सकता है वगैरह. सी हमारे एटीट्यूड में फ़र्क आ है, हमारे एटीट्यूड जो है, हमारी जो रुख है गरीबों के लिए, वो ये हो कि वो ताकतवर लोग हैं, तो संगठन करने का तरीका एक है. जब आपके रुख वो कमज़ोर लोग हैं तब संगठन करने का तरीका दूसरा. तो मैं सोचता हूँ कि ये जो पुअर और पॉवर्टी पर जो एनालिसिस है उसको यहाँ पर थोड़ा बदलने की जरूरत है.
economically poor are not necessarily spiritually, culturally, socially poor. And economically rich are not necessarily socially, culturally, spiritually rich. तो ये समझ में आ जाए तो उसे दो फायदा है. एक फायदा क्या है, जिनको आप संगठित कर रहे हैं उनके प्रति आपके मन में विश्वास हो, उनके ताकत पर विश्वास हो. जब आप 50,000 को लेकर चलते हैं आपको विश्वास है पीछे वाले ताकतवर लोग हैं, आपको उसमें को थोड़ा ज्यादा चिंता करने की जरूरत. ठीक है concept of majority of people like यही है ना कि economically poor तो like poverty very good very good तो लाइक हम इसमें बदलाव कैसे ला सकते हैं, यही प्रशिक्षण. क्योंकि आपको अपने कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर को इसी ढंग से तैयार करना, वो इसलिए मैं कह रहा हूँ ऑर्गेनाइज सोशल मूवमेंट हैज एज एज अ रियल एडवांटेज. ये मॉब इकट्ठा होने में वो सब समझ नहीं बनता. ठीक है, ये समझ के साथ बनने वाले संगठनों में ताकत है. दूसरी बात, इसकी फायदा है जब आप इनके ताकत को समझते हैं जैसे उनके पॉवर्टी को समझते हैं, जिसको आप रिच कह रहे हैं उनके पॉवर्टी को समझते हैं, उनके प्रति आपके मन में हेट के बदले सिंपथी आने लगे. फाइटिंग पीपल विद सिंपथी एंड फाइटिंग पीपल विद हेट, नफरत के साथ किसी से लड़ना सहानुभूति के साथ किसी से लड़ने में बहुत फर्क है. और मैं चाहता हूं कि सहानुभूति के साथ लड़ना नफरत के साथ, ये क्लास वार नहीं, ये परिवर्तन के लिए लड़ाई. तो अगर आपके मन में भावना उनके प्रति सहानुभूति का है कि तुम भी कहीं फंसे हो जैसे मैं फंसा, मैं गरीबी में फंसा हूँ, इकोनॉमिक गरीबी में फंसा हूँ, तो तुम तो सांस्कृतिक गरीबी में फंसा हूँ, तुम तो सवेरे टीवी के सामने बैठना जानता है, नाचना नहीं जानता, गाना नहीं जानता, तुम्हारे सांस्कृतिक गरीबी के प्रति मुझे भी तो दुख होना चाहिए. तो मैं इनकी गरीबी के विरोध में भी तुम्हारी गरीबी के विरोध में भी एक साथ लड़ना चाहिए. कुछ ये हमारी लड़ाई का मैदान कुछ भिन्न हो सकता है, उसमें मजा आएगा ना. इसलिए वो पैसे से मदद करें, वो कहेगा भैया ये तो बड़ा जबरदस्त मामला है, तुम मदद करना. तो मैं हमेशा कहता हूँ ये जो पूरे यात्रा में बड़ी बड़ी यात्राओं में जिस प्रकार लोग एक कनेरिया करके एक बेकरी वाला था वहाँ आगरा में, वो पूरे ट्रक बीच में लाकर खड़ा कर दे रोज बिस्किट और ये भर. तो मैंने 3 दिन देखा, मैंने कन्हैया से कहा इस प्रकार चलोगे तो तुम्हारे बच्चे तो भूखे मरोगे. ये तो 10-10, 20-20 हज़ार लोग 1 मिनट में तुम्हारा ट्रक खाली कर रहे हैं खा खा के. तो ये मत करो, कल से मत लाओ, ऐसा काम है. मैंने कहा साहब भगवान ने बोल दिया, इनके लिए भी तो कुछ करने होगा. कई लोग ट्रक भर भर के चप्पल जूता लाते थे साहब, ये तो सब बिना चप्पल का चल रहा है गर्मी के मौसम. नहीं, पुलिस वाले जो दिन भर ठंडा लेके ऐसा खड़ा रहते थे जैसे दुश्मन है, रात को क्या करते थे प्लेन क्लॉथ में साड़ी बांट साड़ी बांट रहे थे. कैन यू अपील टू द हार्ट ऑफ पीपल, कैन यू अपील टू द हार्ट ऑफ पीपल. ये सब ये परिवर्तन दुश्मन के परिवर्तन की बातें, ये भारतीय लोग हैं सबके सब, वो भी भारतीय लोग हैं, वो कुछ पिंजरे में हैं जैसे जैसे तस्वीर में लगा है, वो कुछ पिंजरे में, हम कुछ पिंजरे में, वो भी पिंजरे में. तो उसमें एक मुझे लगता है कि पूरे लड़ाई का जो 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 भाव वो बदलने की आवश्यकता, उससे बहुत बदलाव जी. बट जब मूवमेंट हम एक टिपिकल ग्रुप के लिए करते हैं, जैसे मैं एक यूथ मूवमेंट खड़ा कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल, जैसे मैं कहता हूँ ये यूथ मूवमेंट है तो मान लो उसमें कुछ लोग एक्सक्लूड करते हैं, मैं कहता हूँ सो ट्रेड ऑफ है, या तो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को अपील करो, या आप जो कह रहे हैं कि ये सभी के लिए मूवमेंट है, तो बट डज दैट नॉट डिफ्यूज द एनर्जी कि ये तो यार मतलब ये तो सभी के लिए मूवमेंट है. जब नैरो होता है तो अपील भी हम जैसे यूथ करते हैं, तो so what is that trade-off? ये movement है deprived लोगों के जिनके हाथ से जल जंगल जमीन छीन लिया, जिनको आपने एक टुकड़ा जमीन नहीं दिया, जिनको आपने हाशिए से रख लिया. लेकिन इसको इस लड़ाई में तुम्हारा भी लाभ है, तुम्हारा भी फायदा है. सी ये संभव है. महात्मा आप अपने देखा हो, महात्मा गांधी जब चंपारण के अदालत में गए, जज साहब खड़े हो गए. नरेंद्र का फिल्म देखा है,
जज साहब खड़े हो गए, अपराधी अंदर आ रहा है, जज साहब खड़े हो गए, जब जज साहब खड़े हो गए सब खड़े हो गए अदालत में, एक मिनट लगा बेवकूफी समझने में, फिर बैठ। ये जो रेस्पेक्ट है, जो 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 रेस्पेक्ट इन द माइंड्स ऑफ पीपल अगेंस्ट हिम यू फाइट, वो बहुत जरूरी है। ठीक है, वाई क्यों नहीं संभव? वो संभव करना चाहिए, नफरत ही पैदा करना है और नफरत के इर्द गिर्द ही सारे लड़ाई को कोऑर्डिनेट करना है। उसके बदले मुझे लगता है कि आप अगर गांधी जी कुछ सीखना हो तो विनोबा ने क्या किया, विनोबा ने कहा कि देखो तुम मुझे तुम्हारा पांचवा बेटा समझ लो, तुम चार बच्चों को तो हिस्सा देते हो ना अपनी जमीन का, मुझे पांचवा बेटा बनाना है। तो 40 लाख एकड़ जमीन ऐसे आ गए, पांचवा बेटा बन गया। ठीक, तो मुझे लगता है कि मैं क्या मानता हूँ कि संघर्ष में भी क्लास एनालिसिस से आगे बढ़ेगा। सी हाउ डू वी प्रोग्रेस, हम कैसे आगे बढ़े, सिविलाइजेशन कैसे आगे बढ़ेगा अगर नफरत पर टिकी है सब कुछ। तो नफरत पर आधारित लड़ाई के बदले प्यार पर आधारित कुछ लड़ाई संभव है क्या? उसको एक्सप्लोर करने में क्या दिक्कत है? उसको एक्सप्लोर करना चाहिए। आज आप इतने आगे बढ़ गए नॉलेज में और जानकारी में, तो क्या नई चीजें खोज नहीं सकते? हो सकता है, मुझे लगता है कि उसकी ओर आपको बढ़ने का। ठीक, समय हो गया तो बता देना, चलो एक और हो गया, एक और दो और आइडिया देखे। एक आइडिया है, अगेन टेक इट फ्रॉम मैं जो कुछ जितना उधर से किराए पर लिया हुआ विनोबा ने एक दान कॉन्सेप्ट दिया, श्रमदान, समय दान, है बुद्धि दान, संपत्ति दान, जीवन दान। ठीक है, दान कॉन्सेप्ट को उन्होंने बहुत जबरदस्त मोड़ दिया। भूदान तो एक ही काम भूदान की, लेकिन उनने समय दान की बात कही, जिनके पास कुछ भी नहीं है समय दे दो बाबू, जिनके पास बुद्धि है बुद्धि दान दे दो, आइडियाज दे दो, क्या क्या नुकसान, आपका तो कुछ भी आता नहीं, आप लोगों को आइडिया देते हैं, नए नए आइडियाज बुद्धि दान दे दो। फिर आप श्रमदान का कंसेप्ट आया कि आप श्रम दीजिए, आपके पास पैसा वैसा नहीं है श्रम, और संपत्ति दान का कंसेप्ट आया कि आपके पास समय भी नहीं है कुछ भी नहीं है लेकिन संपत्ति तो है दी थी। मेहता जी क्या बैठा है, मेहता जी ने पूरा पहाड़ दे दिए, चलाओ समाज के लिए क्या करना करना है, क्या करना है। तुमने कहा कि मैंने बहुत बच्चों के लिए कमाया, बताओ किसको किसको क्या करना है। हाँ, तो बुंदेलखंड में सूखा पड़ गया तो बॉम्बे ने 10 लाख रुपये कटा है। तो ये जो है संभव है, लेकिन मेरे पास और कुछ करने को नहीं है लेकिन मैं ये कर सकता हूँ। फिर जीवन दान, जीवनदानी लोग कम होंगे जो कहते हैं मेरा पूरा जीवन आपके लिए समर्पित, कई बार जीवनदानियों से परेशानी उनको करूँ क्या किसी काम का नहीं है उसको करूँ क्या, जीवनदान देने वाले भी है हमारे पास, सब गुंजाइश होनी चाहिए जीवनदानियों को उपयोग करने का। जयप्रकाश पहला जीवनदानी विनोबा जी के मूवमेंट से प्रेरित होकर उन्होंने मंच पर खड़ा होकर कहा मैं अपना जीवन समर्पित करता हूँ, इसलिए वो कभी सत्ता वत्ता के चक्कर में नहीं होता, बुधन की आहूति दे। तो ये संभव है। तो मैं क्या कहता हूँ कि आने वाले दिनों में मनीष भाई हमारी समस्याएं फंडिंग एजेंसियों से हल होने वाला नहीं, क्योंकि जिस खेल में हम करना चाहते हैं वो किसी एजेंसी की वजह से, और जिस प्रकार के रिस्ट्रिक्शन हम में और उनमें लगा है इसलिए उनकी वजह से। इसलिए एक अगर कोई बड़ा कंसेप्ट इस देश में चलाना है वो है दान कंसेप्ट, दान पर आधारित कैसे चले। आप इतने समयदारियों को पकड़ते मैं जानता हूँ, आप तो बुरे काम समयदारियों से ठीक है। तो दान कंसेप्ट को प्रमोट करें, अन्नदान इस देश का कल्चर रहा, कोई गांव में आप जे आप खाना नहीं मिला ऐसा आप कभी नहीं कहोगे, अन्नदान इस देश का कल्चर। और ये सारे मंदिर मठ चल रहा है दान के आधार, क्यों समाज परिवर्तन नहीं चलना चाहिए, कुछ लोगों को उतरना चाहिए,
संतों से साधुओं से बात करने के लिए पूरे पूरे गुरुद्वारा रोज इतने लोगों को खाना खिला रहे हैं तो कहाँ से आता है इसे? दान से आता है। सिर्फ समाज से भी लोग फटिंग एजेंसियों के पीछे क्यों भाग रहे हैं? उनको क्यों नहीं दान समझ में आ रहा है? नहीं, दान कंसेप्ट को प्रमोट कर रहा है। ये एक प्रकार नुकसान पहुंच रहा है। पिछले मैं जब काम शुरू किया था 1970 में, मैं किसी फंडिंग एजेंसी में नहीं होता। पहली बार किसी फंडिंग एजेंसी का नाम सुना 78 में, 8 साल पूरे काम दान से चलता। हर एक के घर में एक मटका रखा था, पूरे शहर में, जोरा शहर में 100-200 घर में मटका, उसमें जो मर्जी से खाना पकाने के पहले एक मुट्ठी अनाज डालते थे, उसको इकट्ठा करके हम ठेला लेके जाते थे घर घर के सामने, इकट्ठा करते थे, वो अनाज से पूरे आश्रम खाते थे। ठीक, खाना चाहिए। तो फिर बाद में कुछ भैंस पालन किया, दूध बेच के कुछ और पैसा इकट्ठा हो गया होगा, तो उस समय में भैंस को चराना, भैंस के दूध निकालना वगैरह तब सीखा कि भैंस पालन क्या होता है। तो ये क्यों कि एक समय नहीं था, लेकिन बीच में 90 से लेके 2015 के बीच में सबके सब बिगड़ गए। एक ही काम आता है, प्रपोजल लिखना, फंडिंग एजेंसी में बनाना, पैसा लाना, उसमें एक डायरेक्टर बनेगा, फिर एक असिस्टेंट बनेगा, पूरे को तहस नहस कर रहा। समाज सेवा का आदर्श को तहस नहस, उसमें फंडिंग एजेंसी की भूमिका तरह है। एक समाज पर आधारित समाज बदलाव की प्रक्रिया को खत्म करके एजेंसियों पर आधारित समाज बदलाव की कल्पना को ले आए, और वो बहुत बड़ा नुकसान हुआ, कोई बात नहीं, हमने सबने उसका लाभ उठाया, कोई बात नहीं, वो हो गए, अब उस पर रोने की जरूरत नहीं, फिर समाज की ओर वापस जा सकते हैं। एक नया समय है, हिस्टोरिकल टाइम है भारत में, कि कुछ हिस्टोरिकल रीजंस ऐसे आ गए, एजेंसियों के पास भी पैसा कम हो गया, सरकार भी हमसे नाखुश हो गया, बढ़िया हो गया, अब समाज की ओर वापस, समाज पर आधारित समाज परिवर्तन का काम हो सकता है, उस पर तलाशने का टाइम है। इसमें कितने लोग उतरना चाहते हैं? सब एजेंसियां बैठ कर रो रहा है, अब क्या होगा, जिंदगी बर्बाद हो गया। उसके बदले अब वापस जाओ समाज की ओर, जो रोटी मिलेगा उसको खा के काम करो वाला, समाज आधारित काम करने का समय। इसलिए मुझे लगता है दान पर फिर जोर देंगे, इस पर एक पोस्टर बनाइएगा अगर हो सकता। आगे बात, हमने जब ये इतना बड़ा आंदोलन किया तो चार, इसको मैजिक ऑफ वन कहता है मेरे फिलोसफी में, इसको मैजिक ऑफ वन कहता है। मैजिक ऑफ वन क्या है? आंदोलन में भाग लेने वाले ना हो, लेकिन एक रुपया रोज मटके में डालो, 4 साल डाला तो 1200 रुपये हो, एक एक घर में। आंदोलन में भाग लेने के लिए पैसा नहीं हो तो एक रुपया रोज डालो, एक मुट्ठी अनाज रोज डालो, क्विंटल क्विंटल अनाज हो जाता है जब लाखों लोग इकट्ठा करने लगता है। एक व्यक्ति एक परिवार से चलने के लिए निकलो, सबको नहीं निकलना, गाय गोरु देखो, बच्चों को देखो, एक व्यक्ति 10 दिन, एक महीना चलने की तैयारी से निकलो, एक दिन का कोई मैच नहीं है, ये तो एक पूरा लंबे कार्यक्रम है। और एक पोस्ट कार्ड प्राइम मिनिस्टर को लिखो कि मैं आ रहा हूँ क्योंकि मैंने 5 साल तक प्रतीक्षा किया, आपने कुछ नहीं किया, करा एक रुपया, एक मुट्ठी अनाज, एक व्यक्ति का चलना, एक महीना चलना, एक पोस्ट कार्ड, इसको मैं मैजिक ऑफ वन करता हूँ। एक टाइम खाना, ठीक, मैजिक ऑफ वन करता हूँ, ये मैजिक काम दे दिया। एजेंसियों का सहयोग हुआ तो, लेकिन ये जो जब हर एक व्यक्ति आता है अपने दम पर आता है, उनको पता है कि मेरा किराया भी नहीं, मेरे जेब में, मेरे पास महीने भर में केला खरीद के बच्चे को देने के लिए भी मेरे पास है, बीमार होगा तो मेडिसिन भी मेरे जेब में, मैं कोई किसी भरोसा नहीं है। हर एक व्यक्ति अपने दम पर आता है, और इन सब के अनाज जब इकट्ठा हो गया तो हमारे पास राशन खूब आ गया। हमको पता था कि आज रात तक हमारे पास राशन का प्रॉब्लम नहीं, उसके बाद देखें, ठीक है, इतना तो अनाज तो हमारे पास आई। और प्रधानमंत्री कार्यालय से भी फोन आया कि इतना चिट्ठी आ रहा है कि इसको क्या करना है, आगे क्या करना तुम तय करो। फ्रांस से भी आ रहा है, इंग्लैंड से भी आ रहा है चिट्ठी, सोल्डारिटी लेटर्स आ रहा है, हर भाषा में आ रहा है, मलयालम में भी आ रहा है, तेलुगु में भी आ रहा है, कन्नड़ में भी,
तो हमने कहा कि आप उसको प्रधानमंत्री को इन्फॉर्म करते रहे, लाखों घर डाले तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है मैजिक वन डिसेंट्रलाइज्ड वे में आंदोलन करने का एक बड़ा सबक है। सेंट्रलाइज्ड फंडिंग, सेंट्रलाइज्ड थिंकिंग के बदले डिसेंट्रलाइज्ड फंडिंग, डिसेंट्रलाइज्ड थिंकिंग, डिसेंट्रलाइज्ड एक्शन करेंगे तो बहुत बड़ा मूवमेंट बिल्डअप किया जा सकता है और उसके अंदर में आगे की संभावनाओं को देखते हैं। इन सारे व्यूह रचना के और ताना बाना ठीक से ऑर्गेनाइज करने से आगे की संभावनाएं मैं देख रहा हूँ। शायद उस इसके खोख से कुछ ऐसा कुछ निकल सकता है, ऐसा मैं मानता हूँ। लेकिन अभी ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत लोगों को मिलकर काम करने की आवश्यकता, महासभा करना जरूरी है।